एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ कुछ हुआ है जो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी इस चक्कर में ना फंसे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ गाइस। तो मुझे ना एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे मेरे, तो उस पे मैसेज में रिकॉर्डिंग भी था कि आपको केबीसी की तरफ से 25 लाख का लॉटरी लगा है और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और आपको मतलब ये लॉटरी मतलब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसा करके मुझे मैसेज आया था, तो वो नंबर भी आया। तो मैं उस नंबर पे फिर कॉल की। मैं सोची कि देखती हूँ करके क्या आता है। तो मैं उस नंबर पे कॉल की, तो पहले आप लोग ये देखो कि उस नंबर पे ये था कि उस नंबर पे आपको मतलब नंबर पे कॉल नहीं करना, आपको आपको व्हाट्सएप से उस पर वॉइस कॉल करना था। हाँ, आपको वॉइस कॉल करना था। उधर से भी कॉल अगर आ भी रहा है तो वो वॉइस कॉल ही आ रहा था, बट वो कॉल नहीं आ रहा था नंबर से, क्योंकि आप वो नंबर आप कहीं सर्च ना करके मतलब ट्रू कॉलर में ना देख सके कि हाँ किसका है या फिर क्या है। तो वॉइस कॉल आया, बोला कि मतलब बोला गया कि आप मुझे अकाउंट नंबर अपना दें और नाम अपना बताएं और अपना फ़ोटो मतलब फ़ोटो मुझे भेजो, पासपोर्ट साइज है। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं भेजती हूँ। मैं देखी, मैं मुझे पता था कि वो फेक है, फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, भेजती हूँ। तो मैं अपना अकाउंट नंबर, जो मेरा पर्सनल अकाउंट नंबर है, वो मैं भेजी और उसके बाद मैं अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजी और नाम भेजी। उसके बाद मुझे बोल रहे हैं कि ठीक है मैडम, मैं आपका करवा दे रहा हूँ। तो उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद फिर मुझे रिकॉर्डिंग आता है कि आपका मैं ऑफिस में लेके जा रहा हूँ फाइल, कि आप वेट करें कि मैं आपका ऑफिस में फ़ाइल लेके जा रहा हूँ, बट आपका 25 लाख होल्ड पे रहेगा, ट्रांसफ़र मैं कर रहा हूँ बट होल्ड पे रहेगा। तो मैं बोली कि ऐसा क्यों? तो आपको सरकार को टैक्स देना होगा। तो मैं बोली कि टैक्स पेमेंट आने के बाद ही तो मैं टैक्स दूंगी ना। तो नहीं, आपको 12 हज़ार समथिंग, 12 हज़ार या 12.5 हज़ार ऐसे ही बोला कि आपको पहले टैक्स पे करना होगा, उसके बाद वो पैसा आपके खाते में मैं भेज दूंगा। तो मैं बोली कि देखिए, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे पास 12 हज़ार रुपया नहीं है, आप वो पैसा मुझे भेजें और मैं उसमें से टैक्स दे दूंगी सरकार को, क्योंकि जब सरकार मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तब तो सरकार ऊपर टैक्स लगेगा ना, जब पैसा आएगा ही तो मैं टैक्स किस चीज़ का दूंगी। तो बोला कि नहीं, ऐसा ही नियम है, बहुत लोग दिए हैं, बहुत सारे वीडियो वगैरह भेजने लगा, बहुत सारी लेडीज़ थी, बच्चे थे जो बोल रहे थे कि मुझे भी मिला है, मैं टैक्स देने जा रही, पैसा गिन रहे थे, ये वो दिस डेट कर रहे थे, बहुत सारे वीडियो भेजे हुए थे मुझे। तो मैं बोली कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर बोला कि ठीक है, मैं आपको एक सुविधा देता हूँ। देखिए वो मुझे कितना चूतिया बना रहे थे। फिर वो बोले कि ठीक है, मैं आपको एक और सुविधा देता हूँ। तो मैं बोली कि कैसा सुविधा, बताइए। तो मैं उसको दो दो टर्म में कर देता हूँ, मैं आपको 6, 12, 25 लाख का हाफ हुआ 12.5 लाख, मैं आपको 12.5 लाख देता हूँ, जिसमें से आप 6 हज़ार रुपया आप पहले पे करो, उसके बाद मैं आपको 25 लाख दूंगा, 12.5 लाख दूंगा, फिर आप 6 हज़ार पे करना। फिर मैं बोली कि मैं 1 रुपया पे नहीं करूँगी, आपको जितना पैसा भेजना आप भेजो, फिर मैं टैक्स टैक्स भरूँगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं टैक्स भरूँ। तो फिर मुझे बोल रहा है कि ठीक है मैम, मैं कुछ देखता हूँ, कुछ करता हूँ कोशिश। फिर मैं छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता था कि ये फालतू है, ऐसे ही केबीसी हम लोग भी देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अमिताभ बच्चन खुद भी बोलते हैं कि आप लोग किसी फ्रॉड में ना पड़ें, क्योंकि बहुत सारा केबीसी के प्रति फ्रॉडनेस दिखा रहा है। तो ऐसे भी आप लोग केबीसी भी देखते हो तो आप लोग को भी उसमें दिखता होगा कि पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद ही टैक्स कटता है, बिना पैसा है टैक्स कहाँ से कटेगा। उसका फिर मुझे मैसेज आया कि कॉल मी। तो मैं कॉल नहीं की, फिर उससे रिकॉर्डिंग आ गई। ठीक है, मैं आपको एक और सुविधा दे रहा हूँ। मैं बोली कि अब कौन सा सुविधा ये बताएं। तो फिर बोल रहा है कि मैं आपको इसका 6 लाख का, फिर 12.5 लाख से फिर 6 लाख पे आया, फिर 3 लाख पे आया, वैसे ही करते करते 3 लाख पे आया। ठीक है, मैं आपको 3 लाख रुपया भेज रहा हूँ, आप 3 हज़ार रुपये मुझे टैक्स भर दो, लेकिन पहले आपको टैक्स भरना पड़ेगा, फिर यहाँ से मैं पेमेंट करूँगी। मैं बोली कि सुनिए भैया, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मैं समझ गई कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं और मैं ये पहले से भी जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे यहाँ कांटेक्ट ना करें और ना ही मेरे यहाँ कॉल या मैसेज करें। ठीक है, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, आप ये जो आपका आइडिया है वो आप किसी और पे अपनाएं, मेरे यहाँ आपका ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसीलिए आप लोग को वॉर्न कर रही हूँ कि ये लोग बहुत लोगों को चूतिया बना चुका है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी खोल के देखी हूँ,
बहुत लोगों को चूतिया बना चुके हैं, बहुत लोग ऐसे ये लोग पैसा इस तरह करके टैक्स के बहाने वो लोग को झांसा देते हैं, और झांसा देने के बाद बहुत सारा रिकॉर्डिंग वगैरह पता नहीं क्या वो लोग को पैसा देके कि क्या रिकॉर्डिंग बनवा लिए हुए हैं, और रिकॉर्डिंग बनवाने के बाद वो लोग पैसा जिस 3,000 हो, 6,000 हो, 12,000 हो, ऐसे करके लोग पैसा ठानते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी, मैं आपको लगा दूँगी ये इस बार थंबनेल लगा दूँगी कि मेरा वो 25 लाख वाला फॉर्म भी भेजे थे, आप लोग देखना थंबनेल में ज़रूर। तो आप लोग इस सब चीज़ में ना पड़े, क्योंकि अपना अकाउंट, मैं भी एक गलती की, मैं अपना अकाउंट नंबर दे दी, मुझे नहीं देना चाहिए कि मैं भी ऐसा भी हो सकता है कि मेरा अकाउंट हैक कर ले, लेकिन मैं नहीं ऐसा करूँगी, मैं भी, मेरा भी गलती है। बट आप लोग किसी, आप लोग ऐसे किसी भी झांसे में ना पड़े, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉडनेस हो रहा है, बहुत बहुत फ्रॉड हो रहा है, और ये लोग मतलब कितने लोगों को चूतिया बना चुके हैं, कितने लोगों को। बट मैं इसमें नहीं फंसी, ये लोग मुझे भी फंसाना चाहें, पहले 12,000 रुपया, फिर 6,000 रुपया, लास्टली 3,000 पे भी आ गए कि 3,000 रुपया पेड कीजिए, लेकिन मैं बोली कि मैं 1 रुपया पेड नहीं करूँगी, आपको पैसा भेजना है भेजो, मैं उसमें से सरकार को टैक्स दूँगी, बिना पैसा का मैं सरकार को टैक्स नहीं दूँगी। और दूसरी बात, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ने वाली हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से टैक्स भरूँगी। उसके बाद जब जाना कि हाँ यहाँ नहीं हो रहा है, उसके बाद मैं उसके नंबर को ब्लॉक मार दी हूँ, ना कोई कॉन्टैक्ट ना मैसेज। तो प्लीज़ आप लोग भी इसे सतर्क रहें, मैं इसीलिए यूट्यूब पे डाली हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब इस टाइप का मैसेज आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहें, सेफ रहें, और ये सब टाइप के आदमी से, फ्रॉड से बच के रहें। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, और जिनके साथ ये हो चुका है वो अपना मतलब मुझे भी मैसेज करके बताएं कि किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी बहुत लोगों के पास ऐसा कॉल आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग बताएं, और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, और मेरी इन्फॉर्मेशन को अपने और अपने तो अपनों तक पहुंचाएं। ठीक है गाइस, बाय एंड टेक केयर।